दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सेब से वशीकरण कर सकते हैं। इसे करने का समय है मंगलवार या शनिवार वाले दिन सूर्यास्त के बाद सायकाल में। ये वशीकरण का तरीका आपको सिद्ध करना होगा। इसको करने का मंत्र है ओम नमः उर्वशी सेब काम निगारी सुचि राजा प्रजा रहे सब प्यारी। अमुक को मंत्र पढ़ हृदय लगाऊं उठता बैठता निज दासी बनाऊं। मरे पर उसकी जान जाए मशान वश ना होवे तो यति हनुमंत की आन। दोस्तों इस मंत्र को करने का तरीका है कि सूर्यास्त के बाद सायकाल में मंगलवार या शनिवार वाले दिन इस मंत्र का हनुमान जी के समक्ष जाप करें। जाप करते समय सेब सामने रखें, सुगंधित धूप और दीप का प्रयोग करें। 5 लड्डू भोग के रूप में हनुमान जी के सामने रखें। मंत्र जप के समय मंत्र में लिखित अमुक शब्द की जगह जिसको वश में करना है उसका नाम लें और मंत्र को 108 बार जाप करें। जाप के बाद इन लड्डू और सेब को किसी शुद्ध जगह पर सुरक्षित रखें। अब जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे सेब के टुकड़े खिला दें। बचे हुए सेब को खिलाने के लिए पहले सेब को भिगो कर रखें और उस पर 7 बार मंत्र का जाप करें। इस अभिमंत्रित सेब को खिलाने से शक्तिशाली वशीकरण होता है। दोस्तों ये था वशीकरण का तरीका। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं देव शास्त्री जी के उपायों से। जी हाँ, आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे वशीकरण के उपाय और टोटके जो आपके जीवन की हर समस्या को खत्म कर देंगे। तो फिर कॉल लगाइए देव शास्त्री जी को। उनका नंबर है +91 9983 7340 87।